मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे जिसमें हम यील्ड बेसिस मेथड देखेंगे, नई मेथड। ऑलरेडी अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखे होंगे तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन एज वेल एज नेट असेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 बताया था निराली पब्लिकेशन का। ठीक है, तो आज हम सेकेंड मेथड सीखेंगे कि यील्ड बेसिस मेथड क्या है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन 1, मेरा लेक्चर जो 1 है उसमें, कि यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न बेसिस। तो यील्ड मतलब रिटर्न। अब कंपनी को कौन से दो फॉर्म में रिटर्न मिलते हैं, एक तो मिलता है प्रॉफिट के बेस पे, नहीं तो मिलता है डिविडेंड के बेस में। तो बस यही दो चीजों पे हम पे यहाँ पे फोकस करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 निराली पब्लिकेशन। नाउ फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन। ब्रेमन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, उन्होंने 50,000, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50,000 इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू है 10, बट हमें रियल वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या यील्ड बेसिस पे, रिटर्न बेसिस पे निकालनी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या दिया, तो मैंने क्या कहा अभी, जैसे यील्ड मतलब एक तो हम प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे उसकी वैल्यू, नहीं तो डिविडेंड के बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, ये दो रिटर्न फॉर्म होते हैं बिजनेस के। तो प्रॉफिट पे है तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, और अगर डिविडेंड पे फाइंड आउट करना है तो हमें उसका रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हमें सर्टन स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, नेट असेट में हमें बैलेंस शीट दी जाती थी, बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी देते थे, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर देते थे, और उस बेसिस पे हम नेट असेट वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे हमें कौन से बेसिस पे फाइंड आउट करना है, आइदर प्रॉफिट या डिविडेंड या बोथ। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट पे फोकस करना होगा। तो क्वेश्चन में भी उन लोग प्रॉफिट देंगे। सो देखो, लास्ट 5 ईयर्स 15, 16, 17, 18, 19 उन्हें इतना सारा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मस्ट है जो उन्होंने दी है। ऑफ द प्रॉफिट सो 20% वॉज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। देखो यहाँ पे मेक अंडरलाइन, बिकॉज ये एडजस्टमेंट है जो हमें काम आने वाली है। दिस प्रपोर्शन बींग कंसिडर रिजनेबल इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री इन विच द कंपनी एंगेज फेयर इन्वेस्टमेंट इज 10%। मतलब इसका क्या कि जो भी इंडस्ट्री है, ब्रेमन लिमिटेड सपोज ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट करते हो कितना भी पैसा, तो उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, मतलब किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो उसका 10% 1 लाख, किसी ने 5 लाख किया तो उसका 10% 50,000, तो इतना उसको रिटर्न मिलेगा। तो मिनिमम नॉर्मल ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या है कि आपको कम से कम 10%, ये नॉर्मल है, इस पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है 10%, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है और ये इन्फॉर्मेशन दी है। बस ये तीन इन्फॉर्मेशन पे हमें रियल वैल्यू शेयर्स की फाइंड आउट करनी है। कौन से बेसिस पे, सी यील्ड बेसिस पे। ठीक है, तो आपको ये जैसे जैसे आएगी अमाउंट, तो आपको याद रखना है कि नेट असेट पूछा तो असेट पे फोकस करना है, वहां पे हमको बैलेंस शीट दी जाएगी। अगर यील्ड बेसिस पे फाइंड आउट करना है तो यील्ड मतलब रिटर्न, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, तो हमें वो वाली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलो ये इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो पहले हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कौन से प्रॉफिट, कौन से ईयर का प्रॉफिट ले, तो झगड़ा नहीं चाहिए हमें, हम इनका सिंपली एवरेज निकालेंगे। तो देखो पहली स्टेप है आपकी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखो सबकी टोटल की है 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स की है, इसलिए डिवाइडेड बाय 5। अगर 6 ईयर का दिया होता तो हमने 6 की टोटल की होती और डिवाइडेड बाय 6 किया होता, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 60,000। बट उन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है कि 60,000 में से वो 20% है ट्रांसफर करने वाले जनरल रिजर्व को। देखो क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड करो। ठीक है, तो 20% हम ट्रांसफर करेंगे, तो 60,000 का 20% इन्होंने रिजर्व रखा है। ठीक है, तो हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि कुछ पार्ट इमीडिएटली हम प्रॉफिट खर्चा नहीं करेंगे, कुछ पार्ट हम साइड में रखेंगे रिजर्व। सो जो भी प्रॉफिट मिला है उसमें से हमें आंसर आता है 12,000, 20%। तो 12,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट मेंटेनेबल, या इसको ही कहते हैं फ्यूचर प्रॉफिट, कितना होगा 48। ठीक है, तो बेसिक हमको इन्फॉर्मेशन मिली 48,000,
क्योंकि यील्ड बेसिस है। यील्ड बेसिस दो ही चीजों पे डिपेंड है, एक तो डिविडेंड नहीं तो प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट मिला है हमारा 48,000। ठीक है, इतनी स्टेप समझ में आई। अब बस हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट तो मिल गया है, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड दिया है कि उन्होंने इक्वेशन में नहीं दिया है, उन्होंने नॉर्मल रेट ऑफ दिया है। बट इस कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट 48,000 मिला है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 5 लाख इक्विटी शेयर है, मतलब अंदाजे 9.60% इनका रेट ऑफ डिविडेंड होगा। मतलब क्या, सिंपल, अगर आप 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो उस पे आपको 48,000 प्रॉफिट मिलता है। तो किसी ने आपको पूछा कि मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया और उस पे मुझे 48,000 प्रॉफिट मिला, तो अंदाजे मेरा रिटर्न क्या है, तो 9.60। नॉर्मल रिटर्न क्या है, मतलब यूजुअली टेक्सटाइल को क्या मिलता है, 10%, बट इसे थोड़ा सा कम मिला है 9.60। तो इसके इंडस्ट्री, इसके कंपनी को 9.60 है, हालांकि बाहर बाकी के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अंदाजे 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न, हमारा रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 9.60। अंडरस्टूड? तो हमें प्रॉफिट भी मिल चुका है, रेट ऑफ डिविडेंड भी मिल चुका है, बस ये दो चीजें मिल चुकी है। अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो ये मेन स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर यील्ड बेसिस। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड बेसिस। ठीक है, तो डिविडेंड तो हमको मिल चुका है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड जो हमको यहाँ मिला है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखो आपको ये तो फॉर्मूला लर्न करना ही होगा, तो कहीं ना कहीं आप लिख कर रखो, हो जाएगा याद। सिंपल, रेट ऑफ डिविडेंड, हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 9.60। नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10%, इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है, उसकी फेस वैल्यू 10। सो हमारी देखो वैल्यू कितनी आई शेयर की, 9.60, किसके बेस पे, डिविडेंड बेस पे। इसलिए हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन किधर ली, डिविडेंड। देखो हमने कहीं पे भी यहाँ प्रॉफिट का यूज नहीं किया है, क्योंकि हम कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, डिविडेंड बेसिस पे। उसके लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ा, रेट ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए हमने ये स्टेप फॉलो की। ठीक है, ये स्टेप कैसे फॉलो मिलेगी, जब हमको प्रॉफिट हमारा समझ में आएगा, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया तो कितना प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या, पीछे जाओ, हमें उसके लिए फ्यूचर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ा। फ्यूचर प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले एवरेज प्रॉफिट। सो सी, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है कंपेरेटिव टू नेट एसेट वैल्यू, बट नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभार ये सब रेडीमेड अमाउंट देगी आपको, तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आपको इस पे ही जम करना है। देखो अगले वाला प्रॉब्लम में ना ये सब कुछ रेडीमेड दिया है, फ्यूचर प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड दिया है, बस हमको ये डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इस तरीके से डिविडेंड बेसिस पे। अब दूसरा हमें प्रॉफिट बेसिस पे करना है, तो प्रॉफिट बेसिस पे तो ऑफकोर्स हमको प्रॉफिट की जरूरत है, तो इसके लिए भी हमें कुछ फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट ऑलरेडी हमें मिला है 48,000, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखा है, इन 200 अपॉन नॉर्मल रेट, ये दिया है इन्फॉर्मेशन 10%, तो जस्ट पुट करो। देखो तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है अंदाजे, 4,80,000। बस अब 4,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया तो 9.60। तो दोनों भी वैल्यू से हम निकालेंगे तो सेम आंसर आता है 9.60। डिविडेंड बेस पे भी निकालो, इट विल कम 9.60। इक्विटी सॉरी प्रॉफिट बेस पे निकालो तो भी इट कम्स 9.60। अंडरस्टूड? तो यील्ड बेसिस ये हमारी मेन किस पे बेस है, डिविडेंड पे और प्रॉफिट पे। तो ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, कभी ये रेडीमेड देंगे, कभी हमें फाइंड आउट करनी है। सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। सेम यहाँ पे उन्होंने कहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेस ऑन द प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें यील्ड मेथड में से कौन सा बेसिस करना है, सिर्फ प्रॉफिट बेसिस। देखो यील्ड मेथड है ना,
यील्ड मेथड में एक तो प्रॉफिट बेसिस पे कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं। इसके पहले का प्रॉब्लम हमने देखा है, पहले के प्रॉब्लम में दोनों मेथड से हमने फाइंड आउट किया वैल्यू सेम आई, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है सी प्रॉफिट बेसिस पे करो, तो हम डिविडेंड को ध्यान नहीं देंगे, सी प्रॉफिट पे करेंगे। वो भी देखो कितने लकी है हम लोग, उन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट भी दिया है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना पड़ा था, एवरेज निकालना था, फिर 20% जनरल रिजर्व माइनस करना था, फिर उसके बाद हमें कुछ 48,000 समथिंग आई अमाउंट, बट यहाँ पे तो उन्होंने रेडीमेड दिया है। तो बस पहली दो तीन स्टेप हमें करनी नहीं है, डायरेक्टली जंप टू द फॉर्मूला। क्या करना है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बोला है उन्होंने, ठीक है, तो सिर्फ हम लोग प्रॉफिट पे करेंगे। सो फॉर्मूला आपको पता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। सो 100% में, सो देखो 9 लाख, इसका मतलब क्या, जब हम 9 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 8% से 72,000 प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब हमें 9 लाख मिला, सो सिंपल 9 लाख अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई 80। गॉट इट? यहाँ पे डिविडेंड हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही नहीं है कि डिविडेंड आप फाइंड आउट करो। अगर उन्होंने कहा होता तो हमने डिविडेंड बेसिस पे भी किया होता। सो डिविडेंड बेसिस की भी मैंने आपको स्टेप सिखाई है कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आई है मेथड। हमने इस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 1 और 2 देखा है, अगले लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन आगे के जो दिए हैं उन्होंने 5, 6 व्हाटएवर, वो हम सब कंप्लीट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।